पटना, लखनऊ, राजगीर जैसे जगहों पर जाकर डेस्टिनेशन शादी या हाई प्रोफाइल पार्टी करने वालों के लिए सिवान में ही अब सुविधा मिल सकेगी। सिवान छपरा मुख्य सड़क पर पुराने पचुरखी चीनी मिल परिसर में होटल से रिसोर्ट वीआईपी उम्मेद पैलेस का शुभारंभ किया गया। वीआईपी ग्रुप के चेयरमैन अरुण कुमार गुप्ता और सीएमडी सूर्य गुप्ता ने शुभारंभ के मौके पर प्रेस से बात करते हुए बताया कि डेस्टिनेशन शादी के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी। दूर भरे शहरों में जाने पर ज्यादा खर्च भी लगता है और अपने संबंधी दोस्त भी शामिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में छपरा, सिवान, गोपालगंज और आसपास के जिले के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए वीआईपी उम्मेद पैलेस रिसोर्ट एवं होटल बनाया गया है। यहाँ सभी आधुनिकतम सुविधाएं जिनमें लग्जरी रूम, स्विमिंग पूल, स्वीट रूम, गार्डन आदि मौजूद हैं। 2 मार्च के बाद वीआईपी उम्मेद पैलेस होटल से रिसोर्ट आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। ये जोधपुर में जो उम्मेद भवन है सेम उसी का डिज़ाइन हम लोग किए हैं। जो भी उसमें है, जो जो उसमें चीज़ बना हुआ है उसी सा हम सब लोग बना रहे हैं। क्या होगा यहाँ? और यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए खास करके प्लान किया गया है, जो हमारे पास लगभग अभी 50 रूम हो जाएगा, 50 रूम रहेगा, बाकी हॉल और गार्डन जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा होगा। किस किस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर? यहाँ हमारे पास रिसोर्ट में जो रूम है वो सब स्वीट रूम है, बहुत लग्जरी रूम बनाया गया है कि लोग आ करके यहाँ 2-4 दिन रहें, पिकनिक टाइप में भी लोग कर सकते हैं। और बाकी मैरिज हॉल के साथ भी रूम है। आपको सुविधा में मेरा गार्डन है, ये हॉल है, स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, एक और प्लानिंग चल रहा है टॉप रेस्टोरेंट का, रूफ टॉप लोगों के लिए। तो 2 तारीख के बाद उपलब्ध है, 2 तारीख पर, 29 तारीख का हमारा अपना फंक्शन है, फिर 2 तारीख को अपनी शादी है बेटे की, उसके बाद से लोगों के लिए ही खुला है। रिसोर्ट में 4 से 5 महीना और लगेगा। ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए ही बेटे की शादी के लिए ही बना, क्योंकि डेस्टिनेशन वेडिंग हमको जो करना था तो हम लोग जोधपुर गए हुए थे इस यहाँ पर, लेकिन लोग जाने के लिए बहुत कम तैयार हो रहे थे, तो हमको ये दिमाग में मुझे आया कि क्यों ना उसको यहाँ बनाया जाए ताकि हमारा भी काम होगा और सिवान के लोगों को भी। मैंने बेटे की शादी के लिए रिसोर्ट खड़ा कर दीजिए सिवान में। हाँ जी जी जी, खूबसूरत जी। सर कहाँ कहाँ से इसके मटेरियल लग रहा है कि ऐसे बाहर से कुछ मटेरियल? देखिए मटेरियल तो इसका बहुत सा कई देशों से आया है, इसे आपको चाइना से भी आया है, हांगकांग से आया है और कुछ ताइवान से आया है। सबसे पहले तो जिस हिसाब से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है वो पूरा यूनिक और राजवाड़ा के हिसाब से बनाया है, ताकि लोग को फीलिंग आए, जो एक डेस्टिनेशन वेडिंग लोग प्लान करते हैं बाहर जाके करने का और वो बजट भी अलाउ, कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ बजट अलाउ नहीं करता है लेकिन इच्छा रह जाती, इच्छा लोग को लोग मार के और सेक्रीफाइस करता है, उस उनके हिसाब से उनके बजट में और उनके लिए यहाँ पर बनाया गया है, ताकि एक शादी को एक मेमोरी वाला चीज़ है, वो ज़िंदगी भर याद करने वाला है, तो उस जगह को हम लोग थोड़ा सा अच्छा देना चाहते हैं कि उनकी यादों में एक ये भी जगह ऐड हो जाए। और सिवान और गोपालगंज के लोग प्लान हुआ इसके बारे में कैसे? प्लान तो भाई की शादी करनी थी, हम लोग बाहर गए रिसोर्ट के लिए, रेस्टोरेशन वेडिंग के लिए, तो जो चीज़ें पसंद आ रही थी वो तो एक बजट बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद तो जो गेस्ट को हम ले जाना चाहते थे उनके पास 3-4 दिन का टाइम नहीं था कि यहाँ से जाए 4 दिन टाइम दें, और तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं बनाते हैं और धीरे धीरे सब लोग के सहयोग से बहुत अच्छा निखर के आया। कुछ हमारे आर्किटेक्ट दिल्ली के हैं, उन लोगों ने बनाया, मतलब अभी तक तो जो कम्प्लीट हुआ है बहुत अच्छे तरीके से निकल के आया उस चीज़ों को। खाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, कहीं से बाहर के शेफ वगैरह भी हैं, किस प्रकार का डिश मिलेंगे यहाँ पर? खाने के लिए क्या है, जैसे कि अगर किसी को बुकिंग करनी है, वो चाहते हैं कि हमको अपना खाना बनवाना है तो उसकी सुविधा है, अगर वो चाहते हैं कि हमको आप खाना हमें बनवाना है तो अपने पास शेफ हैं जो बाहर दिल्ली से आए हुए हैं, जो हमको पर प्लेट या फिर जैसे अकॉर्डिंग टू बात होगी उनसे उस हिसाब से काम होगा, जो टेस्ट चाहेंगे वो टेस्ट मिलेगा उनको। ठीक है।